पिछले 3 साल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद बिहार के बाहुबली और राष्ट्रीय जनता दल के सांसद रहे शहाबुद्दीन ने पैरोल के लिए अर्जी दाखिल की है। दरअसल 19 सितंबर को बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के पिता का निधन हो गया है, जिसके बाद शहाबुद्दीन ने अपने पिता के निधन की खबर को आधार बनाते हुए जेल प्रशासन से पैरोल देने की अपील की है ताकि वो पिता के सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया में शामिल हो सकें। जेल के डीजी के पास अर्जी दी गई है और अब ये अपील लंबित है। इस अर्जी में शहाबुद्दीन ने 2 सप्ताह के लिए पैरोल पर बाहर जाने की इजाज़त मांगी है। शहाबुद्दीन ने यह अपील अपने पिता के इंतकाल के बाद अंतिम क्रियाकर्म के मद्देनजर बेटे का फर्ज निभाने के लिए दी है। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पिता शेख मोहम्मद हसीबुल्लाह का 90 वर्ष की उम्र में शनिवार की रात निधन हो गया था। वो पिछले कई दिनों से शेख हसीबुल्लाह बीमार चल रहे थे। उनके निधन की जानकारी मिलते ही लोग शहाबुद्दीन के पैतृक गाँव प्रतापपुर पहुँच गए। आपको बता दें कि लालू यादव के करीबी कहे जाने वाले और दबंग राजनेता मोहम्मद शहाबुद्दीन फिलहाल दिल्ली की जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। पटना हाई कोर्ट के 30 अगस्त 2017 को दिए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई थी। शहाबुद्दीन को ये सजा 2004 में हुए दोहरे कत्ल के मामले में सुनाई गई थी। न्यूज़ डेस्क।